नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत। क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत। आइए ले चलते हैं वैशाली नारायण पत्रकार के साथ। अलीगढ़ में भी मिलने लगी है चमचम की मिठाइयाँ। आइए जानकारी करते हैं। आपका नाम? शर्मा। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इगलास की जो मशहूर चमचम थी वो अब अलीगढ़ में उपलब्ध है, तो किस तरीके का रेस्पॉन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है? के पिंटो कॉलेज के बराबर। हाँ, देखिए, अलीगढ़ वालों के लिए खुशखबरी है, हम लोगों ने यहाँ इगलास से यहाँ पर लाए हैं, तो लोगों को वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो एक टेस्ट था जो पूरी कई दशकों से इगलास में मिलता था, अब वो अलीगढ़ में मिल रहा है, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप इस बात को? सर, नज़रिया बहुत अच्छा है, लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हमें दिवाली पे, लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत टेस्टी बताया, और ये बोला है, लोगों के जो कमेंट्स हमें मिले हैं वो यही मिले हैं कि सर, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है कि अलीगढ़ में आपने जो है ग्लास की चमचम जो है यहाँ पर अवेलेबल कराई है। क्या उम्मीद थी आपको अलीगढ़ से? उम्मीद थी मुझे, लेकिन उम्मीद से भी बढ़कर जो है हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिला, लोगों का बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला, और आगे भी मिलता रहे। जहाँ तक मैंने जो प्रयास किया है वो ये प्रयास इसलिए किया कि मैंने भाई अलीगढ़ में मिठाइयाँ बहुत सारी बनती हैं, तो मैंने कहा भाई कुछ अलग टेस्ट अलीगढ़ में लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो मैंने ये अपना दिमाग लगाया कि भाई हम अलीगढ़ में इस चमचम को लाया इगलास की। बिल्कुल, और हमने ये प्रयास किया और हमने प्रयास किया तो इसमें हमें सफलता भी मिली, और लोगों को और अच्छा रहा। सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और बहुत पसंद आई, और लोगों ने इसको बहुत मतलब इसका आनंद लिया और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बताया। तो कहीं ना कहीं उम्मीद से ज़्यादा आपको? जी सर, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, और उससे ज़्यादा हमें अलीगढ़ वासियों का इसके लिए प्यार मिला, सहयोग मिला, और हम आगे और भी प्रयत्न करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। कितने दशकों से ये ब्रांड बना? गिरधर ब्रिजवासी। नमस्कार, गिरधर ब्रिजवासी। नमस्कार सबको और हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से सबको। गिरधर जी, किस तरीके का आपको रेस्पॉन्स मिला है अलीगढ़? रेस्पॉन्स ऐसा मिला है कि हमने एक्सपेक्ट तो किया था अलीगढ़ से कि अगर हम लोगों को लोगों का काफ़ी टाइम लगता है इगलास तक जाने में, और स्पेशली लोग फिर क्या कहते हैं, लोग आलस कर जाते हैं कि यार वहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन हम वही चीज़ यहाँ पर ला रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने भी ये बोला है कि क्या कहते हैं कि आपने भाई साहब बहुत बढ़िया किया कि हमको अब इगलास की चमचम अलीगढ़ में मिली है, तो हमारे फादर साहब को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अलीगढ़ के लोगों ने, और बहुत बढ़िया क्या कहते हैं हमारी।